हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुपमा में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाने वाला है। और उस जन्माष्टमी के उत्सव में, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा जो है वो आद्या से मिल चुकी है और आद्या को किसी तरीके से वो बचा के अनुज के पास लेकर आती है और वो उन दोनों को मिला देती है। लेकिन ये क्या, अब अनुपमा जो है वो कई बार उसको चक्कर आता हुआ दिखाया गया है और वो उसी टाइम पे बेहोश होकर गिर जाती है। तो ये जो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब फिर से कुछ ना कुछ ये क्या होने वाला है, मतलब क्या अनुपमा को कुछ हो रहा है। तो जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ एक तरफ इस बात की खुशी है कि आद्या मिल चुकी है और अनुज और आद्या एक हो जाएंगे, और फाइनली दूसरी तरफ ये होगा कि अभी तीनों को एक होना है। वो दोनों उसके अनुपमा को भी चाह रहे हैं कि वो भी उनके पास आ जाए, क्योंकि अनुपमा को ऐसा लगता है कि ये लोग ही एक दूसरे को, माँ बाप बेटी ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ नहीं रहना चाहते। और उसे ऐसा लगता है कि आद्या अभी भी उसे नाराज़ है, तो वो मतलब उसको छोड़ के अनुज के पास वो वापस जाती हुई दिखाई देती है। जब उन लोग उसे एक्सेप्ट करके बुलाते हैं तब वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो ये सब क्या है। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ कि आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा को कुछ बीमारी या कुछ इस टाइप का डायग्नोस होगा, जिसमें जिसकी वजह से वो बार बार चक्कर खा के गिर रही है। क्योंकि ऑब्वियसली आगे कुछ तो अच्छा, मतलब कुछ नया ट्रैक दिखाया जाएगा ना, कि क्या दिखाना है। तो उसी ट्रैक की तैयारी हो रही है, जहाँ एक ट्रैक ख़त्म होता रहता है तो दूसरा स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि उसको आगे कंटिन्यू किया जा सके। क्योंकि ये वाला ट्रैक तो अब ख़त्म होने वाला है, आद्या मिल जाएगी तो आद्या खोजने वाला जो ट्रैक है ये ख़त्म हो जाएगा, और अब ये नया ट्रैक शुरू होगा जहाँ अनुपमा को बीमारी वाला ट्रैक शुरू होगा, कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानियाँ हैं, जिसे अनुज और आद्या मिलके सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो इस टाइप का कुछ चीज़ें आपको आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको क्या लगता है जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।